अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं दावत वलीमा खाने के लिए और सब लोग रेडी हो चुके हैं। मैं भी तैयार हो चुका हूँ, हानिया भी तैयार हो गई है, बेगम भी, अबू जान भी, बच्चे लोग पहले से गए हुए हैं। दो दिन पहले से अम्मी बच्चों को साथ लेकर शादी में गई हुई हैं और आज हम लोग भी जा रहे हैं। अभी हम लोग गांव में हैं और बाहर जा रहे हैं गांव से। हानिया बेटी माशाल्लाह बैंड लगाकर बहुत प्यारी लग रही है और सफ़र को एंजॉय कर रही है। अभी हम गांव से बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं जोला में दावत वलीमा खाने के लिए अपनी बड़ी बहन के पास। हमारी बड़ी बहन के जेठ के बेटे का वलीमा है आज। अभी हम पहुंच चुके हैं अड्डा खानवाना में। लो जी गाइस, अभी हम जा रहे हैं बाईपास रोड के ऊपर जहाँ से हम सीधे जाएंगे मकुवाड़ा, वहाँ से खुलने वाला और फिर वहाँ से हम जोला पहुँचेंगे। सफ़र का बहुत मज़ा आ रहा है हमें। गाड़ी में इस वक्त मौजूद हूँ मैं और मेरी बेगम हानिया, अबू जी और ड्राइवर। बच्चों को हम वापसी पे साथ लेते हुए आएंगे। हर जगह गंदम की कटाई चल रही है। जी तो अभी हम पहुंच चुके हैं मक्कूवाला शहर में। जिस किसी ने भी मक्कूवाला शहर देखना है वो देख ले। जगह जगह थ्रैशरें लगी हुई हैं, लोग जो हैं वो जी हमारे सामने तूड़ी बनाने वाली मशीनें जा रही हैं। हार्वेस्टर के साथ जो लोग गंदम निकालते हैं वो इसके ज़रिए तूड़ी बनाते हैं। ये किसी ने यहाँ पर अमरूदों का बाग लगाया हुआ है। बाग
इस बैग में हानिया के कपड़े हैं और ब्लैक वाले बैग में हमारा जो है वो बेगम ने ब्यूटी पार्लर का सामान रखा हुआ है। जे जनाब अली खुलने वाला से थोड़ा सा पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस बना हुआ है, फैसलाबाद का कैंपस। इस कैंपस में हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है और इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा रकबे में ये बनाया हुआ है। लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं खुलने वाला में। हम जो जीटी रोड है फैसलाबाद से लाहौर, अब हम उसके ऊपर सफ़र करेंगे। अभी लगता है कि हानिया बेटी को नींद आ रही है। अभी हम जोला अड्डे पर पहुंच चुके हैं और ये भाई हमारी तरफ देख रहे हैं बहुत गौर से। मैंने इसकी वीडियो बना ली है जहां से हम बाजी के गांव की तरफ जाएंगे। ये भी हमारे जो इधर अड्डा बना हुआ है, खाना वाना अड्डा, उसकी तरह ये काफ़ी बड़ा अड्डा है और जहाँ से तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर होलसेल की दुकानें भी हैं।
ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं आपी के घर के सामने, जहां पर उन्होंने शादी का इंतज़ाम किया हुआ है। वो सामने टेंट भी लगे हुए हैं साइड पर। टाइम तो है, तुसी आप तो रहते हो कोई है हाँ जी निशाना सही नहीं अच्छा निशाना सही लगा नहीं। लो जी व्यूअर्स, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं शादी वाले घर। आज हम जहां पर दावत वलीमा खाएंगे, मतलब कि अन्नी पाएंगे, जितनी भी डिशेस बन रही हैं सब आज मैं बहुत पेट भरकर, खूब पेट भरकर खाऊंगा। और ये सामने बैठा हुआ मेरा भांजा, क्या नाम है तेरा भांजे? हाँ जी, साथ उसके दोस्त बैठे हुए हैं। सब बच्चे शादी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लो भी टेंट भी दिखा दीजिए। ये शादी चूँकि गांव में हो रही है तो इसलिए यहाँ पर टेंटों का इंतज़ाम किया गया है। और वो सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है वहाँ पर देखे पक रही हैं। तरीका तेरा सही होता है। आओ, तरीका तेरा सही है उदा। Thank you.
लो जी व्यूअर्स, अब हम मलीमा खाने के बाद घर की तरफ वापस जा रहे हैं बच्चों को साथ लेकर। बस थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। ये अम्मी बैठी हैं, अम्मी जान बैठी हुई हैं और साथ इब्राहिम सोया हुआ है। इब्राहिम को रास्ते में नींद आ गई है और ये अलीदा बेटी भी सो गई है रास्ते में और मुझे खुद भी नींद आ रही है। हानिया भी सो गई है। सब लोग वापसी पे खाना खा के, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है तो इसलिए नींद आ गई सबको। Beep, beep, beep.